अप्रैल की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, नमो भारत ट्रेन, और उनके साथ में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने इस पहली रैपिड रेल में सफ़र किया, और सफ़र के दौरान किस तरीके से उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया QR कोड को स्कैन करके, और उसके बाद में अब वहाँ जो प्रदर्शनी लगी है उसका भी अवलोकन उन्होंने किया है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गिरीश निशान अभी लगातार गाज़ियाबाद से बने हुए हैं। गिरीश, देखिए तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सौगात जनता को दी है, और इस सौगात से कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में खासतौर पर जो लोग हर रोज़ मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ के लिए ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक ये ट्रेन होने वाली है आगे आने वाले समय में। गिरीश जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ये कहीं ना कहीं कहें तो नमो भारत ट्रेन आज देश को समर्पित होने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर बाद यहाँ पर एक देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत साहिबाबाद से दुहाई डिपो के प्राथमिक खंड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी रूप से विकसित प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के उद्घाटन के साथ ही RRTS कनेक्ट मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज के ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है, साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच में यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी दिल्ली NCR वालों के लिए। आने वाले समय में जब ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जंगपुरा से लेकर मेरठ के आगे मोदी पुरम तक ये पूरा कॉरिडोर तैयार हो जाएगा, और लोग बहुत ही आसानी से करीब 45 मिनट के अंदर ही मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएंगे। और कहीं ना कहीं वातानुकूलित जो यात्रा लोगों की रहेगी, आराम से बैठ कर जाएंगे, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से आरामदायक एक सफर रहने वाला है। और लंबे समय से यहाँ के जो लोग हैं उनको कृतिका इंतजार था कि कब ये ट्रेन चालू होगी और वो इसके अंदर बैठेंगे, तो अपने आप में बड़ी बात है। ये नमो भारत ट्रेन इसका रखा गया है नाम, जो आप से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। और कल सुबह यानी कि 6 बजे शनिवार सुबह 6 बजे से इसमें आम जनता जो है वो यात्रा कर सकती है। तो इसकी जो मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार रहेगी, जो पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा, जिसके अंदर सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्रीय आवागमन के लिए ये पूरा डिजाइन किया गया है। और 2x2 की इसमें जो है सिटिंग की गई है, खड़े होकर भी यात्रा की जा सकती है। इसमें खास तौर पर पर्याप्त जगह है, लगेज रैक है, CCTV कैमरा है, लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा इसमें मौजूद रहेगी। करीब 6 इसके अंदर कोच रहेंगे, जिसका पहला बिल्कुल गिरीश, और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री उस स्टेशन पे पहुंचे और QR कोड से उन्होंने स्कैन करके टिकट भी लिया। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचे हैं और सबसे पहला टिकट उन्होंने खरीदा है। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये टिकट खरीदा है, और उसके अंदर कुछ देर बाद इस ट्रेन के अंदर यात्रा भी करेंगे। ये नमो भारत ट्रेन बनाई गई है जो फिलहाल साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक दौड़ेगी। करीब इसके अंदर 5 स्टेशन रहेंगे।
तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरआरटीएस के विकास से आर्थिक कार्यों को बढ़ावा कहीं ना कहीं इस ट्रेन से मिलेगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्यूआर कोड के जरिए टिकट भी लिया और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रही। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाकर पहली रेल को रवाना भी करेगी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, आगे आने वाले समय में इससे फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही ये पहला चरण है, इसके बाद में कहा यह जा रहा है कि 2025 तक ये जो पूरी ट्रेन है, जो पूरा इसका करीब 82 किलोमीटर का जो सफर है, वो बनकर तैयार हो जाएगा। गिरीश जी, जब ये पूरी तरह से बन गया तो दिल्ली के जंगपुरा से लेकर मेरठ के आगे मोदीपुरम तक ये पूरा 82 किलोमीटर का सफर हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं जो नमो भारत ट्रेन है इसमें यात्री यात्रा कर सकेंगे और महज 45 मिनट के अंदर मेरठ से दिल्ली तक पहुंचाया जा सकेगा। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण आज है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये नमो भारत ट्रेन समर्पित की है और कल के बाद से इसमें आम जनता भी यात्रा कर सकेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये यात्रा का समय सुबह 6 बजे से आरंभ होगा और रात को 11 बजे तक अंतिम ट्रेन मिल सकेगी। अभी फिलहाल ये साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक जा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये दुहाई डिपो से आगे बढ़कर मेरठ और मेरठ के आगे मोदीपुरम तक ये बन जाएगी। और दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो सरायकेला खान से आगे जंगपुर तक इसको प्लानिंग की गई है। तो अपने आप में एक सौगात है नए भारत की। जब बात करते हैं न्यू इंडिया की, जब बात करते हैं तो इस तरह की सौगात देश को मिल रही है जो अपने आप में देखने लायक है, दुनिया को बताने लायक है। क्योंकि ये जो ट्रेन है ये अहमदाबाद के अंदर स्वदेशी रूप से तैयार की गई है, भारत के अंदर ही इस ट्रेन को तैयार किया गया है और जो तमाम सिस्टम है वो भी भारत में तैयार किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आरआरटीएस कनेक्ट ऐप को भी लॉन्च किया है और उन्होंने खुद यहाँ पर टिकट लेकर लिया है, नमो भारत ट्रेन का पहला टिकट उन्होंने लिया है और वो अभी इस ट्रेन के अंदर यात्रा भी करेंगे। बिल्कुल गिरीश, और ये देखिए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर पहली रैपिड रेल को रवाना किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब ये ट्रेन जो है वो अब जनता को समर्पित की जा चुकी है। कल से इसका संचालन भी अब शुरू हो जाएगा, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक इसका संचालन होगा। तो ये तस्वीरें सुक्ता आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ में प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी भी देखी इससे जुड़ी हुई। तो ये तस्वीरें सुक्ता आपको दिखा रहे हैं और अब ये ट्रेन जनता को समर्पित की जा चुकी है। और ये तस्वीरें देखिए, 3D व्यू इस ट्रेन का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आए हैं कि ये ट्रेन अंदर से कैसी है, उसका व्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और उसके बाद में हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। और अब कल से ये ट्रेन जनता के लिए समर्पित होगी और साथ ही प्रधानमंत्री ने मोबाइल ऐप को भी आज लॉन्च किया है। तो अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लोगों के लिए कितनी सुविधा होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और साथ ही अगर इस ट्रेन की बात करें तो तमाम सुविधाएं इस ट्रेन में उपलब्ध हैं। अगर देखा जाए तो इस ट्रेन में पूरे 6 कोच हैं, जिसमें से पहला कोच जो है उसमें काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं, आप वहां पर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रीड कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर व्हीलचेयर की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो दूसरा कोच है वो सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व कोच रहेगा। तो इस तरीके से ये तमाम सुविधाएं जो हैं और हर सीट पर, इस ट्रेन में जितनी भी सीटें हैं उसमें हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम सुविधाओं से लैस ये रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को अब समर्पित कर दी है। कल सुबह 6 बजे से ये ट्रेन अब लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, आरआरटीएस के विकास से आर्थिक कार्यों को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय बढ़ावा मिलेगा और साथ ही अगर देखा जाए तो अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत अब प्रदूषण से होगी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रेन चल चुकी है तो लोग, उम्मीद ये की जा रही है कि लोग अपने वाहनों को घर में रखेंगे और इस ट्रेन से ही आने जाने में क्योंकि उनको सुविधा भी होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं थोड़े से कम होगा।
जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि प्रदूषण काफी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आबो हवा को खराब कर दिया था प्रदूषण ने, तो उससे कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने देश को सौगात दी है उसका असर कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण पर भी देखने को मिलेगा। जब इतने वाहन जब एनसीआर से दिल्ली की ओर आते हैं तो काफी ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन होता है और कहीं ना कहीं वो पूरा असर आबो हवा पर भी पड़ता था। लेकिन फिलहाल जब इस तरह की सौगात देश को मिलती है, एनसीआर के लोगों को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो है सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रायोरिटी पर रखेंगे और वो इनका इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं जो सड़कों से जो ट्रैफिक जाम है उसकी समस्या से भी बचा जा सकेगा, साथ ही जो पॉल्यूशन है उससे भी बचा जा सकेगा। तो अपने आप में आज से ऐतिहासिक क्षण हो गया है दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जो ये खंड फिलहाल इस पे 5 स्टेशन होंगे जिसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो, लेकिन आने वाले समय में जब ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरठ से सराय कालेखा और जंगपुरा तक आसानी तक पहुंचा जा सकेगा। करीब 45 मिनट में कहा जा रहा है कि मेरठ से सीधा दिल्ली आया जा सकता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये भी है जो मरीज हैं जो बहुत ज्यादा जो स्ट्रेचर पर हैं तो उनको भी इस ट्रेन के अंदर लेके आया जा सकता है। उसके लिए भी खासतौर पर RRTS ने ये व्यवस्था की है कि उसमें एक स्ट्रेचर भी आ जाए, एक व्हील चेयर भी आ जाए, जो बहुत ही सोच समझ कर इसकी प्लानिंग की गई थी और पूरी तरह से इस ट्रेन को तैयार किया गया था, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में इसका निर्माण हुआ है। गुजरात के अंदर ये जो ट्रेन है वो वहां पर बनाई गई है, जिसका अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। जो साहिबाबाद के लोग हैं, जो गाजियाबाद के लोग हैं, जो गुलधर के लोग हैं, जो दुहाई के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कृतिका, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो ट्रेन है वो उनके शहर में से होकर गुजरेगी, उनके बीच में से होकर गुजरेगी। उनकी केवल ये कल्पना ही हुआ करती थी कि कभी इस तरह से जो बुलेट ट्रेन होती है, जो विदेशों में ट्रेनें चलती हैं उससे भी बढ़कर ट्रेन जो है हमारे भारत में चलेगी, हमारे अपने के बीच में चलेगी और हम उसमें सफर करेंगे, अपनी यात्रा करेंगे, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही गर्व की बात महसूस हो रही है उनको। बिल्कुल गिरीश, गर्व की बात है भी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऐसी ट्रेनों की कभी शायद अगर आज से 15-20 साल पहले का अगर हम देखें तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली एनसीआर में कोई इस तरीके की ट्रेन चलेगी। गिरीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और जानकारियां लेंगे। हमारे साथ में इस वक्त अभिषेक भी बने हुए हैं और वो भी गाजियाबाद में ही मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए इस ट्रेन में एक साथ करीब 1700 यात्री जो हैं वो एक साथ सफ़र कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुँचेगा, साथ ही महिलाओं के लिए एक कोच जो है इसमें आरक्षित किया गया है और जून 2025 तक ये जो पूरा कॉरिडोर है वो बनकर तैयार हो जाएगा, यानी जो दिल्ली से मेरठ की दूरी है वो मात्र 45 मिनट की रह जाएगी। अभिषेक, बिल्कुल भावना, देखिए पूरा जो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, ये एक शानदार प्रोजेक्ट है। आप इसे कह सकते हैं कि ये भारत के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर के जो चेंज आया है, कनेक्टिविटी यानी कि विकास की सबसे पहली बुनियादी जरूरत, उसको लेके क्या बदलाव आया है। आप पिछले 7-8 वर्षों में इसका लगातार एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप रेलवे के अंदर बदलाव देख रहे हैं, आप मेट्रो की कनेक्टिविटी देख रहे हैं, देश के बड़े बड़े शहरों के अंदर आप पहली रीजनल रेल देख रहे हैं, वो भी गाजियाबाद, यानी कि दो बड़े शहर आप दिल्ली को कनेक्ट कर सकते हैं, एनसीआर का इलाका है गाजियाबाद और मेरठ, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, काफी लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं, कई सारे जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है, ऐसे में कितना बड़ा ये गिफ्ट है और वो भी ऐसी स्पीड जो कि आपने वंदे भारत में देखा 160-180 किलोमीटर की स्पीड, और इसकी स्पीड भी लगभग 180 किलोमीटर के आसपास की होगी, एवरेज 160 किलोमीटर पर दौड़ेगी, कई जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ ये आपको नजर आएगा। 6 बोगियों का कोच होगा, महिलाओं के लिए अलग से इसके अंदर एक कोच होगा, 2x2 जो जिस तरीके से देखते हैं पैसेंजर के बैठने की जो बैठने के लिए उनकी व्यवस्था होगी, CCTV की पूरी मॉनिटरिंग होगी, यानी कि पूरा ट्रेन जो सुरक्षित होगा। इसके अलावा जो व्हील चेयर है, जो दिव्यांगजन है उनके लिए जो व्हील चेयर रैम की व्यवस्था होगी, ऑन बोर्ड वाईफाई आपको मिलेगा, एक प्रीमियम कोच भी होगा इसमें, यानी कि एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। और आप देख सकते हैं कि रैपिड रेल जो कि 82 किलोमीटर का ये पूरे स्ट्रेच की अगर हम बात कर लें तो ये पूरा 82 किलोमीटर का है, 25 स्टेशन होंगे,
वहाई से लेकर साहिबाबाद के बीच में शुरू हो रही है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि फिलहाल इसको लेकर के पूरे गाजियाबाद, मेरठ, पूरे एनसीआर के अंदर जो है लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने, उन्हें देखने के लिए और उन्हें थैंक यू बोलने के लिए कि कितनी बड़ी सौगात आपने इस एनसीआर को दिया, मेरठ को दिया और यहाँ पर। और लगातार प्रधानमंत्री का भी जिस तरीके से आपने देखा जो विजन रहा है पूरे भारतवर्ष में, चाहे सड़कों के संपर्क को लेकर सीमावर्ती राज्यों के अंदर जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, नेशनल हाईवे की जो स्पीड है जहां 12 किलोमीटर प्रति रोज बनाते थे नेशनल हाईवे, आज हम 34 किलोमीटर प्रति पर डे के हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं, पर मंथ के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर साबित होगा जिस तरीके से कनेक्टिविटी जो है पूरे देश में फैल रही है। आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 95,000 करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप समझ सकते हो कि जितने नॉर्थ ईस्ट के 7 जो स्टेट है उनको जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि 5 स्टेट जो है वो जुड़ भी चुके हैं, उनकी राजधानी जो है रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी है, 2 स्टेट पे और काम चल रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर जो वो काम कर रहा है, सड़कों का जाल बिछा 65,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में जो है वहां पर नेशनल हाईवे का काम हो रहा है। अब मेट्रो का देखें, जो आप बड़े शहरों का अगर नाम ले, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता जी, आप किस भी बड़े शहर का नाम ले, वो मेट्रो का जाल बिछ रहा है। अब रैपिड रेल की बारी है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो विजन है कि कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो हम वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो जल्द से जल्द बन पाएंगी। बिल्कुल, और उसके लिए लगातार कदम भी भारत सरकार की तरफ से भी बढ़ाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए अभिषेक, तो सिर्फ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नहीं बल्कि दिल्ली गुरुग्राम, SNP, अलवर भी, और इसके साथ ही दिल्ली पानीपत के क्रियान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है, वहां पर भी यही ट्रेन चलाई जाएगी। यानी कि आने वाले समय में जो लोग गुरुग्राम के जाम में हर रोज फंसते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बहुत सहूलियत होने वाली है जब वहां पर कॉरिडोर बनकर तैयार रहेगा। और ये तस्वीरें भी इस वक्त अभिषेक आपके पास में वापस आएंगे, ये तस्वीरें सब दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं और स्कूली छात्र छात्राओं से वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें सब आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री का शुरू से ही बच्चों के प्रति कितना लगाव है ये हम अक्सर देखते हैं। जब भी इस तरह की कोई भी योजना आती है तो बच्चे अक्सर नजर आते हैं और उनसे रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि यही बच्चे हैं जो कल का भविष्य है, देश का भविष्य है। तो ऐसे में, और ये लड़कियां आप देख रहे हैं, कॉलेज की ये छात्र छात्राएं हैं, और साथ ही इस रेल के जो कर्मचारी हैं वो उनसे भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जो ड्राइवर है, जो इंजीनियर्स हैं, जो पूरी टीम है बेसिकली, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरीके से नमस्कार भी कर रहे हैं, उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, सीधा संवाद उनके साथ कर रहे हैं। तो एक गर्व का ये क्षण हर उन सभी के लिए जो इस वक्त उस ट्रेन में भी मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर देखा जाए तो 2019 में इस कॉरिडोर की नींव रखी गई थी और तब से लेके अब तक मात्र करीब लगभग 4 साल के अंदर ये अब जनता को समर्पित भी की जा चुकी है। और अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक देखिए, प्रधानमंत्री का जो प्रेम है बच्चों के प्रति वो अक्सर नजर आता है और आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, बच्चों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं इस ट्रेन के अंदर। बिल्कुल भावना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लगातार देखते आए होंगे, पहले वंदे भारत ट्रेन से लेकर के अभी जब 34 टोटल अगर हम बात करें 68 सर्विसेज वंदे भारत की देश भर में चल रही है, उसमें भी प्रधानमंत्री जहां भी गए 17 से 18 जो वंदे भारत ट्रेन है उसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और हर जगह आपने देखा कि प्रधानमंत्री वहां बच्चों से कनेक्ट करते हैं, बच्चों से पूछते हैं, उनकी राय पूछते हैं, उनकी क्या सोच है, उनको कैसा लग रहा है बदलाव, उनकी आगे की जनरेशन क्या चाहती है, प्रधानमंत्री उनसे कनेक्ट करते हैं। और ये बहुत बड़ी विशेषता है प्रधानमंत्री की। आप प्रधानमंत्री को देखेंगे मन की बात में हो, परीक्षा पे चर्चा हो, लगातार प्रधानमंत्री जो युवा है, जो आने वाला भविष्य है, उनके साथ कनेक्ट होते रहे। और आज भी ये आपको साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है रैपिड रेल के अंदर जो है बच्चों से मिल रहे हैं, सभी उम्र के बच्चे हैं, छोटे
बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इन सब से जो है कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी राय ले रहे हैं, उनको भी उनको जो पूछना है वो किस तरीके की भारत की परिकल्पना कर रहे हैं वो बच्चे उन्हें बता रहे हैं, वो रैपिड रेल के अंदर किस तरीके की सुविधाएं उसमें प्रधानमंत्री उनसे जानकारी लेते हैं। तो प्रधानमंत्री बच्चों से इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और इतनी बड़ी गिफ्ट है आप समझ सकते हैं बच्चों के लिए भी, खासतौर पे कॉलेज हो दिल्ली में पढ़ने वाले या फिर आसपास इस तरीके से मेरठ। बिल्कुल अभिषेक, और यही बच्चे जो हैं कल का देश का भविष्य भी हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार उनसे खुद कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अभिषेक आपके पास में वापस आएंगे, हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हरी झंडी दिखाने के बाद में खुद भी इस ट्रेन में अब सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही जो कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं इस ट्रेन के, जो इंजीनियर्स हैं या यूं कहें कि जो पूरी टीम है उससे भी उन्होंने सीधा संवाद किया है और जानकारियां ली हैं, साथ ही धन्यवाद भी प्रधानमंत्री देते हुए इस दौरान स्पीच नजर आए हैं। गिरीश जी बिल्कुल, कृतिका आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने पहले नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसको रवाना किया और उसके बाद अगली जो ट्रेन है उसके अंदर वो खुद बैठे और उस ट्रेन का जायजा लिया कि किस तरह की ये ट्रेन बनाई गई है। इसमें खास तौर पर कुछ विद्यार्थी मौजूद थे, इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो RRTS में कार्यरत हैं वो महिलाएं भी इस ट्रेन में उनके साथ में थी, उनसे उन्होंने जाना कि किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से उनका रूपरेखा रहती है, तो तमाम बातें उन्होंने उनसे की, उसको समझने का प्रयास किया, क्योंकि ज्यादातर इसमें संख्या देखने को जो मिलेगी भविष्य में कहा जा रहा है कि महिलाओं को ज्यादा इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी RRTS के अंदर, चाहे वो RRTS ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे टिकट काउंटर की बात हो, तमाम जो ऐसी जगह है वहां पर महिलाओं को बढ़ावा देने की जिस तरह से प्रधानमंत्री भी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होता हुआ नजर भी आता है। यहाँ पर जब ऑन ग्राउंड देखते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, हर जगह काम करती नजर आ रही हैं, चाहे मेट्रो हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, हर जगह महिलाएं सबसे आगे अब दिखाई देने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के अंदर यात्रा की और यात्रा करते समय उन्होंने जो है खास तौर पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, जो इसमें कार्यरत हैं, उनसे बातचीत भी की, तो अपने आप में एक आज ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, अब ये देश को समर्पित हो गई है और कल से ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सौगात देने के बाद आम जनता को समर्पित हो जाएगी और कल सुबह 6 बजे से इसमें आम जनता भी यात्रा कर सकेगी इस ट्रेन के अंदर और रात को 11 बजे तक इसमें यात्रा की जा सकती है। और अब से कुछ देर पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन का जायजा लिया, दौरा किया, तो कहीं ना कहीं आज इस ट्रेन के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है और साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई के लोगों के लिए भी आज ऐतिहासिक क्षण बन गया है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद यहां पर आए हैं और साहिबाबाद में पहुंचकर उन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और अब से कुछ देर बाद कृतिका प्रधानमंत्री यहां से निकलने के बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे जहां पर न केवल साहिबाबाद, वसुंधरा, वैशाली और आसपास के जो क्षेत्रों के लोग हैं वो हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित भी करेंगे इस रैली को। जी बिल्कुल ठीक है गिरीश, आपके पास वापस आएंगे। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अब देखा जाए तो ये ट्रेन जो है वो तो अब जनता को समर्पित हो ही चुकी है, लेकिन क्योंकि आप खुद वहाँ पर मौजूद हैं, आपने उन यात्रियों से भी बातचीत की होगी जो हर रोज़ दिल्ली से मेरठ का सफ़र करते हैं, कोई ट्रेन के ज़रिए सफ़र करता है, कोई अपने वाहन से सफ़र करता है, कोई बस के ज़रिए सफ़र करता है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अभिषेक? बिल्कुल कृतिका, देखिए तमाम जो लोग हैं आज एक तरीके से कहा जाए तो गाजियाबाद, मेरठ, मुरादनगर या फिर आप मोदी नगर की बात कर ले, दुहाई की बात कर ले, तो यहाँ पर एक तरीके से छुट्टी मना रहे हैं लोग, एक तरीके की खुशी जाहिर कर रहे हैं और वो ज्यादातर लोग जो कामकाजी लोग हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस जो अब जहाँ भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे इस जनसभा के लिए वहां पर मौजूद है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में कितना बड़ा उत्साह है। हमने कई लोगों से बातचीत भी किया, कहते हैं कि जिस तरीके से जो स्पीड हम देख रहे हैं, जिस स्पीड से काम किया जा रहा है रेलवे को लेकर, सड़कों को लेकर के, हम सिर्फ मोदी जी का यहाँ धन्यवाद करने के लिए आए हैं और कई लोग जो है कि वो अपना दफ्तर में आज का काम छोड़ करके, यहाँ तक कि आज की जो स्कूल है
गाजियाबाद के कई स्कूल, दुहाई के कई स्कूल, इन स्कूलों में भी जो है आधे दिन का या पूरे दिन का अवकाश दिया गया है ताकि वो बच्चे भी जो है वो अपने घर से या फिर किसी और माध्यम से जो है वो प्रधानमंत्री को सुन सके इस तरीके से। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी, कितना बड़ा वरदान है इस पूरे क्षेत्र के लिए। और खास तौर पर इस पूरे, अगर हम जो रैपिड रेल है ये नमो भारत, इसकी अगर हम बात करें तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी जुड़ा होगा ये, जहां जहां कनेक्ट होगा यहाँ पर बस की सेवा होगी, मेट्रो की सेवा होगी इस तरीके से, और इसको उसके जरिए भी जोड़ा जाएगा। साथ साथ अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो है इसके अलावा भी कई और जो है आने वाले समय में आप यहाँ पर रैपिड रेल इसके अलावा भी देख सकेंगे, बुनियादी ढांचे को और तरीके से आप विकसित होते हुए देख सकेंगे, जिसमें से कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के बाद दिल्ली गुरुग्राम अलवर कॉरिडोर की हम बात कर सकते हैं, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर की बात कर सकते हैं। यानी कि आने वाला समय इस तरीके के रैपिड रेल, मेट्रो रेल, वंदे भारत, नमो भारत, आप हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, मतलब आप देश के अंदर जो लोग विदेशों में देखते थे वो अब चीजें देश के अंदर, वो भी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर यानी स्वदेशी, वो बनकर रेडी हो रहा है और उसके बाद जो है इनका इनको जो है चलाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कॉरिडोर की जो है आधारशिला रखी थी, 2023 चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इतना छोटा आसान नहीं है, पूरे कॉरिडोर को बनाना, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना, उसके बाद इस तरीके से सब कुछ एक बहुत, आप कह सकते हैं स्पीड आया है काम में। आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कीजिए, एक जो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है 1335 किलोमीटर का, वो बनकर रेडी हो चुका है। यानी सोचिए कि अब मालगाड़ियां उस पर दौड़ेंगी तो सवारी गाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक मिलेगा, उनकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो लगातार काम इस तरीके से किया जा रहा है। और आप इसके अलावा ही प्रधानमंत्री एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं रितिका, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री दो मेट्रो जो है पूर्वी और पश्चिमी बेंगलोर को जो है वहां पर उसकी भी, उसको भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो कि इन दो खंडों में बयन हल्ली को कृष्णराजपुरा और केंगेरी को चेला घट्टा से जोड़ा जाएगा। यानी कि आज ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए, बल्कि कर्नाटक के लिए भी एक बड़ा दिन है, उन्हें भी दो मेट्रो की सौगात मिलेगी। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कहा था कि हम सब अर्बन रेल जो है पूरे बेंगलोर को, जिस तरीके से आपने मुंबई के अंदर देखा है सब अर्बन रेल का जिस तरीके से जाल बिछा हुआ है, उस तरीके से बेंगलोर को इक्विप करेंगे, उस पर काम करने जा रही है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी। और अब जो है वहां पर दो मेट्रो के और प्रोजेक्ट भी आज प्रधानमंत्री समर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अभिषेक आपके पास में वापस आते हैं, गिरीश के पास चलते हैं सीधा, गिरीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गिरीश, अगर देखा जाए तो इस ट्रेन में जो है वो सुविधाओं से तो लेस है ही, लेकिन किराए की अगर बात करें तो किराया भी बहुत कम है, न्यूनतम किराया 20 रुपये है, और अभी जो ये ट्रेन चल रही है साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक, उसके लिए 50 रुपये हर व्यक्ति को चुकाने होंगे। तो यानी कि किराए के मामले में भी अगर देखा जाए तो बहुत न्यूनतम किराया इस ट्रेन का रखा गया है, ताकि हर एक व्यक्ति इस ट्रेन में आसानी से सफ़र कर सके। गिरीश, गिरीश आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारी आवाज अभी तक गिरीश तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे, लेकिन साथ ही अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, अगर किराए की बात करें तो जी अभिषेक आवाज मिल रही है आपको? जी अभिषेक, अगर देखा जाए तो इस ट्रेन में जो कोच है, जो स्टैंडर्ड कोच है, उसका न्यूनतम किराया 20 रुपये रखा गया है। वहीं साहिबाबाद से लेकर के दुहाई डिपो की अगर हम बात करते हैं तो 50 रुपये किराया रखा गया है, और जो इसका जो प्रीमियम कोच है उसका 100 रुपये किराया। यानी कि अगर आम व्यक्ति अगर जाता है तो मात्र 50 रुपये में साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक वो सफर कर सकता है, बहुत न्यूनतम किराया रखा गया है, हर एक व्यक्ति आराम से इसमें सफर कर पाएगा। बिल्कुल कृतिका, देखिए जिस तरीके से आपको देखा है कि मेट्रो का किराया हो तो लगभग रैपिड रेल का किराया भी उसी के आसपास है, जबकि दूरी जो है आप देखिए कि साहिबाबाद से लेकर दुहाई की जो दूरी है 17 किलोमीटर की है जी। जो मेरठ है, जो पूरा रूट जब कंप्लीट हो जाएगा ये 82 किलोमीटर का होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट, लोगों के बजट का ध्यान रखा गया है, लोगों के पॉकेट का ध्यान रखा गया है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर।
जब ये बनकर तैयार होगा, ऐसा नहीं कि इसमें जो जिसके पास पैसे हैं, जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, जो खर्च ज्यादा करते हैं, तो वो ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल आम आदमी, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करेगा, वैसे ही इसका किराया रखा गया है कि एक आम आदमी, चाहे वो यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा हो, रोजगार के लिए आ रहा हो, व्यापार के लिए आ रहा है, या फिर कमाने के लिए आ रहा हो, या फिर मेहनत करने आ रहा हो, उन सब के पॉकेट में इसका टिकट जो है वो ठीक ठीक बैठेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो का एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेहनत किया जा रहा है, और दूसरे तरीके से जो है वो यहाँ पर लगातार की लोगों को सहूलियत दिया जाए। आपने देखा रेलवे का किराया पिछले 7-8 सालों से नहीं बढ़ा, पहले ये बहुत बड़ा मुद्दा होता था रेलवे का किराया बढ़ना। आप देख सकते हैं लगातार जो किराए को लेके जो आम लोगों की जो सोच है उसको उनको बजट में रखने का ये बिल्कुल ये प्रयास रहा है कि आम जनता से लेकर के हर तबके को जो है इसका जो है फायदा मिल सके। और इस रैपिड रेल के शुरू हो जाने से एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे आप। ये क्षेत्र वैसे पहले से भी काफी विकसित है, लेकिन आप सब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और कनेक्ट होगा, यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो फायदा है वो और मिलेगा, और उसका बहुत बड़ा असर दिल्ली पे भी आएगा। सबसे बड़ी बात कि रोड पर जो आज जो ट्रैफिक कंजेशन है उसमें बहुत ज्यादा जो उससे निजात मिलेगा, ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा पॉल्यूशन पर। जो पॉल्यूशन आप देखते थे दिल्ली में पहले लाखों की संख्या में ट्रक आता था, प्रतिदिन जो है 65,000 से ज्यादा जो बड़े ट्रक है वो एंट्री करते थे। इसको लेकर के दो पेरिफेरल बनाया गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल का निर्माण किया गया कि बाहर से आने वाले ट्रक जो है वो दिल्ली के बाहर बाहर ही चले जाए। अब उसके बाद जो है आपने देखा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, रैपिड रेल आ गया है, यानी कि अब और जो लोग हैं जो अपने पर्सनल वाहनों से आते हैं जी वो अब जो है वो डायरेक्ट अब रैपिड रेल का उपयोग कर सकेंगे, तो पॉल्यूशन से भी एक बहुत बड़ा निजात मिलेगा। इसके अलावा भी दिल्ली में पॉल्यूशन, एनसीआर में पॉल्यूशन को कम करने के लिए बिल्कुल सरकार लगातार प्रतिबद्ध है, और अब प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जो जनसभा स्थल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जो है वो मंच पर भी उपस्थित होंगे। कृतिका बिल्कुल अभिषेक, और इंतजार उस पल का किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और देखना होगा कि किन किन चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते हुए नजर आएंगे। लेकिन खासतौर पर अगर देखा जाए अभिषेक, तो आपको याद होगा कि दिल्ली में एक वक्त वो था जब बहुत ज्यादा जाम पूरी दिल्ली में लगता था, लेकिन जब से दिल्ली मेट्रो आई साल 2002 की अगर बात करें, 2002 से लेकर के 2023 लगभग 21 साल, तो इस बीच काफी हद तक दिल्ली में ट्रैफिक जाम की जो समस्या थी उससे निजात लोगों को मिली है। और तो उसी की तरह से अगर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो की तरह ही ये रेल भी अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आएगी, लेकिन उससे ज्यादा सुविधाएं इस रेल में नजर आ रही है। अभिषेक बिल्कुल सुविधा दिल्ली में ट्रैफिक फ्लो के कंट्रोल के लिए केंद्र सरकार के बड़े बड़े कदम जी अभी कुछ दिनों पहले की बात करी, बिल्कुल जहां ने G20 कम्प्लीट किया, आप देख सकते हैं वहां पर प्रगति मैदान टनल प्रधानमंत्री ने ट्रेंड का इनॉग्रेशन किया, यानी जो एक बड़ा सेंटर था प्रगति मैदान के आसपास जहां पे कुछ जाम लगाना था रोजाना, आप समझ सकते हैं वहां सिर्फ 1 मिनट की दूरी, 1 मिनट के समय पर आप इंडिया गेट के लिए पहुंच जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन से। बिल्कुल कैसे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जाए इसको लेकर के काफी प्रयास किए गए। ईस्टर्न पेरिफेरल की बात कर लीजिए, वेस्टर्न पेरिफेरल को पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से जो ट्रक आता था उसके कारण जो पॉल्यूशन होता था, बिल्कुल उसके कारण जो ट्रैफिक कंजेशन होता था उनको भी जाप दिया गया। बाहर के राज्यों में जाने वाले जो ट्रक है वो दिल्ली आने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आउटर रिंग रोड की तरह यूज कर रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो है UDF-1 और UDF-2 बना रहा है, यानी कि द्वारका तक जो है अब आपको इलेक्ट्रिसिटी बस हाईवे पे हमने अभी तक जो है गाड़ियों को फर्राटा भर के देखा, बिल्कुल अब इलेक्ट्रिसिटी बस भी आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने ट्राम देखा है ट्राम चलता है ऊपर वायर होता है और उस तरीके उसी तरीके से बिल्कुल आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बस दौड़ेगी, और आप समझ सकते हो इसकी स्पीड भी कम नहीं होगी 50 से 100 किलोमीटर जी। इसका बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने सभा स्थल पर पहुंचकर बड़ी संख्या में जो है गाजियाबाद
की बात करें, गोवा की बात करें, गोवा की बात करें, गोवा की बात करें, तमाम आसपास